ओंकारेश्वर में बुधवार को सुबह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आरंभ हुआ। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया, लेकिन कुछ मतदाताओं ने नाराजगी भी व्यक्त की। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, बाकी कई मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वो रहता है, मान लो कौन से 2 नंबर वार्ड में, उसका नाम चले गया 10 नंबर वार्ड में। कोई रहता है 12 नंबर वार्ड में, उसका नाम चले गया 15 नंबर वार्ड में। तो ये त्रुटि जो हुई है, इस पर अगले चुनाव में उसका सुधार होना जरूरी है। इसमें निर्वाचन आयोग को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो निर्वाचन वो बने मतदान केंद्र, वो उस क्षेत्र के पास में होना चाहिए। तो हुआ ये है कि अब जैसे 8 और 9 का मतदान केंद्र बना दिया बालवाड़ी में, और जो बालवाड़ी जो नज़दीक में है उसको भेज दिया वहाँ गोदड़पुरा में। तो इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है, दूर जाना पड़ रहा है लोगों को, फिर साधन ढूंढने पड़ रहे हैं। और जैसे अभी निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आने जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था रखी जाएगी, वो कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। तो अगले चुनाव अभी होने वाले हैं लोकसभा में, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक बार सर्वे फिर से इस तरीके का होना चाहिए कि निर्वाचन जो अपने मतदान केंद्र हैं उन केंद्रों के आसपास ही उस बस्ती का होना चाहिए। दूसरा, जो इधर उधर जो मतदान मतदाताओं के नाम इधर उधर चले गए हैं, वो कैसे चले गए हैं, जबकि वो पिछले चुनाव में उन्होंने 7 नंबर में डाला और आपके चुनाव में 5 नंबर में चले गए, तो इसका कारण क्या रहा, इसकी